नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है कलयुग के माता पिता का एकमात्र सहारा वृद्धाश्रम पार्ट टू। जैसा कि पार्ट वन में बताया गया था, शर्मा जी के दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। शर्मा जी और मालती जी लखनऊ में अकेले मकान में रहा करते थे। मालती जी के चोट लग जाने के कारण वे अपने बच्चों को बहुत याद कर रही थी। बच्चे भी मालती जी से मिलने के लिए आने वाले थे कि तभी स्वीटी का फ़ोन आता है। तभी मालती जी का फ़ोन बज उठता है। देखा तो बेटी स्वीटी का फ़ोन था। यह देखकर मालती जी के चेहरे पर एक आशा की चमक आ गई थी। हाँ स्वीटी, कैसी हो, कब आ रही हो? दूसरी तरफ से स्वीटी ने कहा, हाँ मम्मी ठीक हूँ मैं, अभी भैया से बात हुई है मेरी, हम दोनों शनिवार को आपके पास आ रहे हैं। अच्छा, शनिवार को मतलब परसों? हाँ मम्मी, परसों बड़ी मुश्किल से मैं और भैया अपना समय निकालकर आपके पास आ रहे हैं, स्वीटी ने कहा। माँ ने कहा, चलो ठीक है बेटा, यह दो दिन भी जैसे तैसे मैं काट लूँगी, मुझे तो लग रहा था कि आज या कल में तुम दोनों आ जाओगे, लेकिन कोई बात नहीं। मम्मी आप तो जानती हो काम बहुत है, छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है, मैं तो जॉब के साथ साथ अपने घर की भी पूरी जिम्मेदारी उठाती हूँ, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ, आपको समझना चाहिए। लेकिन नहीं, हाँ हाँ बेटा मैं समझती हूँ, मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, मैं तो बस अपनी बात बता रही हूँ। मम्मी आप तो अपनी बात बता रही हो, लेकिन हमें तो गिल्ट फील होता है, आप हमें क्यों नहीं समझती? चलो ठीक है, मैं कॉल रखती हूँ, फिर परसों आकर आपसे बात करूँगी, स्वीटी ने कॉल काट दिया। शर्मा जी बोले, अब तो आपकी बिटिया का फ़ोन आ गया, अब तो कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, अब तो एक उम्मीद की किरण दिख रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई बच्चा हम लोगों को अपने साथ रखने के लिए ज़रूर ले जाएगा, यह मकान किराए पे उठा देंगे, मालती जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। शर्मा जी बोले, बच्चों के पास जाकर हमें भूल मत जाना, हंसते हुए मालती जी बोली, अब बुढ़ापे की याददाश्त है, भूल भी सकती हूँ। दोनों लोग खिलखिला के हंस पड़े। दो दिन बाद सोफे से खड़े होते हुए मालती जी बोली, आपके लिए चाय बना देती हूँ, बहुत दिन हो गए आपको मेरी हाथ के चाय पिए हुए। जब से मालती जी ने सुना है कि उनके दोनों बच्चे आ रहे हैं, तब से ही दोनों बच्चों के स्वागत की तैयारी में लगी हुई हैं। उन दोनों के बेडरूम की साफ सफाई करके व्यवस्थित करवा चुकी थी। उसे बच्चों के आने का इंतजार था, इंतजार की घड़ियाँ थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। एक मिनट एक बरस के बराबर कट रहा था, समय काटे नहीं कट रहा था। मालती जी कई बार गेट के बाहर सड़क तक जाती और देखकर आ जाती। मालती जी की बेचैनी देखकर शर्मा जी बोले, सब्र करो, थोड़ी देर में बच्चे घर में ही आएंगे, अब आप आराम से बैठो। मालती जी शर्मा जी की बाजू में बैठते हुए बोली, थोड़ा राजीव के पास कॉल करिए, देखिए वह कहाँ है। अभी शर्मा जी ने मोबाइल उठाया ही था कि घर के सामने ऑटो आकर रुका। मालती जी का दिल जोरों से धड़कने लगा, उसके चेहरे पर चमक सी आ गई। मालती को लगा स्वीटी आ गई। मालती जी तेज़ी से बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ी, बाहर देखा तो स्वीटी आ गई थी और ऑटो वालों को मोबाइल से पैसे दे रही थी। मालती जी दौड़ कर स्वीटी के पास पहुँची और बोली, बेटा छुट्टे नहीं है क्या, पैसे मैं दे दूँ? स्वीटी ने मालती की तरफ देखते हुए कहा, हाँ दे दीजिए 250 रुपये, वरना मैं ऑनलाइन पैसे दे देती हूँ। मालती जी वापस घर के अंदर लड़खड़ाते हुए पैसे लेने के लिए भाग के गई और पैसे लाकर ऑटो वाले को दे दिए। स्वीटी सोफे पर बैठी हुई बोली, बहुत थक गई हूँ मम्मी। मालती जी ने प्यार से सर पर हाथ फिराते हुए कहा, हाँ बेटा मैं भी तो कब से तेरा रास्ता देख रही हूँ। स्वीटी बेटा पानी पियोगी? हाँ मम्मी पानी तो पीना है। फिर मालती जी लड़खड़ाते हुए किचन से पानी लेकर आईं। पानी पीकर स्वीटी ने गिलास मालती जी को पकड़ा दिया। मालती जी ने पूछा, बेटा कुछ खाओगी? आज मैंने ढोकला बनाया है अपने हाथों से तुम्हारे लिए। अच्छा, कैसे बनाया है, आपको तो आता ही नहीं था। मैंने दीपशिका की किचन से सीखा है, बहुत अच्छा और सरल तरीके से नई नई रेसिपी बनाना बताती हैं। तुम भी उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर तुम भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर शेखर और बच्चों को खिलाना,
इसका लिंक मैं तुम्हें बता दूंगी, थोड़ा सा और खा लो। शर्मा जी चुपचाप ये सब देख रहे थे कि मालती जी कितना थक गई हैं। थकान उनके चेहरे पर दिख रही थी, लेकिन बच्चों के खातिर अपनी हिम्मत नहीं हार रही थी। शर्मा जी बोले, तुम बैठो, मैं लाकर देता हूँ। ढोकला लेकर जब वापस आए तो स्वीटी ने खूब शौक से ढोकला खाया। सही कहती हो माँ, आपके हाथ की बात ही अलग है, यह स्वाद तो कहीं नहीं मिलता। अब मैं नहाऊंगी और फिर 2-4 घंटे सोऊंगी, फिर उसके बाद आपसे खूब सारी बातें करूंगी। मालती जी शर्मा जी को समझाते हुए बोली, सही तो है, बेचारी बच्ची कितना लंबा सफ़र करके आई है, तो थक तो गई होगी। दोनों दाम्पत्य वहीं सोफे पर बैठे अपने बेटे का इंतजार करने लगे। सुबह की भाग दौड़ करते हुए उन दोनों का बुढ़ा शरीर थक चुका था, अंत में नींद के आगोश में चले गए। तो दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो की आवाज़ से मालती जी की नींद टूटी। कुछ क्षण तो मालती जी को यह समझने में लगा कि क्या हो रहा है, और जैसे ही मालती जी की समझ में आया कि राजीव दरवाज़ा पीट रहा है, वह हड़बड़ाकर उठ पड़ी। अरे राजीव आ गया, मैं कैसे सो गई, बेचारा लड़का कितना परेशान हो रहा है। शर्मा जी की भी आँख लग गई थी। मालती जी ने पहले शर्मा जी को जगाया, अरे शर्मा जी अब तो जाग जाइए, बेटा कब से दरवाजे पर खड़ा है। मालती जी बोली, हाँ बेटा खोल रही हूँ। मालती जी ने दरवाज़ा खोला तो राजीव ने बेहद झल्ला कर कहा, कब से आवाज़ दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं मर मर के आप लोगों के लिए यहाँ आया हूँ, यहाँ देखा तो किसी को कोई मतलब ही नहीं है, सब घोड़े बेच कर सोए हुए हैं। और फिर राजीव अंदर आया। शर्मा जी बोले, बेटा बूढ़ा शरीर है, दिन भर की भाग दौड़ से थक गया है, पता नहीं कैसे आँख लग गई। अब थोड़ा राजीव शांत हो चुका था। माँ पापा को गले से लगाकर बोला, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इससे गुस्सा आ गया। मालती जी बोली, हाँ हाँ बेटा अभी खाना लगाती हूँ। मालती जी ढोकला लेकर आई तो राजीव बोला, माँ ढोकला, और बैठकर खाने लगा। राजीव ढोकला देखकर बहुत खुश हो गया, वाह कितना स्वादिष्ट है, आपने कहाँ से मंगवाया है। मंगवाया नहीं है, बनाया है तुम लोगों के लिए, दीपशिका की किचन में से देखकर बनाया है। मालती जी के मन में भी उत्साह भर गया। राहुल ढोकला खाते हुए बोला, और सुनाइए पापा जी आप कैसे हैं। मैं तो ठीक हूँ, बस तुम्हारी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, तुम्हारी माँ को अकेले इस घर में मन नहीं लगता, घर खाने को दौड़ता है। तब तक स्वीटी भी आ गई और दोनों भाई बहन ढोकला खाने लगे। स्वीटी बोली, सही में यह स्वाद कहीं नहीं मिलता। मालती जी बोली, हाँ हाँ तू और खा ले, बहुत सारे बनाए हैं, जी भर के खा लो, पता नहीं कब मिले, क्योंकि मैं भी अब यहाँ पर नहीं रहूँगी, हम लोग अब तुम लोगों में से किसी एक के यहाँ जाकर रहेंगे। इतना सुनते ही स्वीटी और राजीव एक दूसरे का मुँह देखने लगे। दोनों बच्चे आज मालती जी के साथ हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। शर्मा जी और उनकी पत्नी दोनों लोग खुशी खुशी अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। इधर स्वीटी और राजीव बातें कर रहे थे, भैया मुझसे तो कोई आशा रखना मत, मैं माँ को अपने साथ नहीं लेकर जाने वाली और ना ही मैं कुछ करने वाली हूँ, मेरा भी अपना घर द्वार है, मेरे पति क्या सोचेंगे कि अपनी माँ को मेरे सर पर क्यों ले आई, वैसे भी माँ पापा ने मेरे लिए किया ही क्या है, बचपन में 10 साल की उम्र से मुझे हॉस्टल भेज दिया था। अभी राजीव बोला, तो मुझे कौन सा मम्मी पापा ने अपने पास रखकर पढ़ाया है, मुझे भी तो हॉस्टल भेज दिया था। तुम और माँ भारती का स्वभाव तो जानते ही हो, वह तो बच्चे भी पैदा नहीं कर रही है, वो तो बच्चों की भी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती है, ऐसे में मैं भी अपने पास नहीं रख सकता, माँ पापा के लिए हम दोनों को मिलकर कोई फैसला तो करना ही पड़ेगा। स्वीटी बोली, क्यों ना माँ पापा को किसी बढ़िया से वृद्धाश्रम में रख दें, जहाँ पर उन्हें उनके जैसे लोग भी मिलेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे, वैसे भी हर इंसान को अपनी आयु के लोगों के साथ ही अच्छा लगता है, तो माँ पापा को अच्छा ही लगेगा। राजीव बोला, आज मैं पापा को नहीं बताऊंगा अपना फैसला, नहीं तो अभी से माहौल ख़राब हो जाएगा, कल सुबह बता दूंगा। तभी ज़ोर से गिलास गिरने की आवाज़ सुनाई दी, देखा तो दरवाजे पे मालती जी खड़ी थी, वह अपने बच्चों की सारी बातें सुन चुकी थी।
अब वह समझ गई थी कि उनके जीवन में अब अंधेरा ही अंधेरा है। वह अपने कमरे में जाकर निढाल सी बेड पर लेट गई। शर्मा जी ने जब उनको देखा तो वह घबरा गए और बोले, क्या हुआ, तुम बोलती क्यों नहीं? मालती जी रोते हुए बोली, वह हम लोगों को वृद्धाश्रम छोड़कर यह मकान बेचकर चले जाएंगे। शर्मा जी बोले, तुम चिंता मत करो, अभी मैं हूँ। मालती जी ने शर्मा जी के कंधे पर सर रख कर कहा, बच्चे अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त और मस्त हैं कि माँ बाप को समझ ही नहीं पा रहे। शर्मा जी लंबी सांस लेते हुए बोले, आजकल के बदलते माहौल में हर चीज़ बदल रही है, इंसान स्वार्थी होता जा रहा है, आपसी रिश्तों के प्रति भावनाएं ख़त्म होती जा रही हैं। मालती जी बोली, क्या सच में हम लोगों ने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी रखी थी? क्या सच में अपनी ख्वाहिशों के लिए बच्चों को बाहर पढ़ने भेजा था? मालती जी बच्चों के सामने तो अपने आंसू पोंछ लेती, लेकिन जैसे ही अकेले होती वह फूट फूट कर रो पड़ती। मालती जी का यह दुख शर्मा जी से देखा नहीं गया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि बच्चों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगली सुबह शर्मा जी बिना किसी को बताए अपने दोस्त के पास गए और अपने घर की सारी कहानी कही। उनके दोस्त सरकारी वकील थे। उन्होंने बोला कि मेरे हिसाब से वृद्धाश्रम आपको नहीं जाना चाहिए, आप यहीं अपने घर पर रहिए, 24 घंटे की बाई लगा लीजिए। आप अपने निधन के बाद यह प्रॉपर्टी किसी वृद्धाश्रम को दे दीजिएगा, क्योंकि जब आपके बच्चे आपकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते तो आपकी संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं है। फिर शर्मा जी अपने घर आ गए। मालती जी घबराए हुए बोली, आप कहाँ चले गए थे? आपको हमें बताकर जाना चाहिए, बच्चे आज शाम को चले जाएंगे। तभी राजीव और स्वीटी दोनों वहाँ आ गए। राजीव बोला, कहाँ चले गए थे पापा, ये क्या बचपना है, आपको हमें बताकर जाना चाहिए। फिर स्वीटी बोली, माँ एक बार फिर सोच लो, वृद्धाश्रम में रहने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको वहाँ अच्छा ही लगेगा, वहाँ पर ना किसी बात की तकलीफ़ होगी ना आप लोगों को हमारी कमी महसूस होगी। यदि आप लोग वृद्धाश्रम चले जाएंगे तो हम भी यह मकान बेचकर निश्चिंत हो जाएंगे, आप बात को समझती क्यों नहीं? तब शर्मा जी चिल्लाते हुए बोले, अरे हम तुम्हारे किसी बात को नहीं समझेंगे, हम लोग वृद्धाश्रम किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे, हमारे पास क्या नहीं है, जब हमें दूसरों के सहारे ही जीना है तो वृद्धाश्रम में क्यों जाएं? हमारे घर में जो बाई आती है वह भी हमारा अच्छे से ख्याल रखती है, हम जीते जी इस घर में से नहीं जाएंगे। रही बात संपत्ति की, तो इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, जब तुम लोग हमारी देखभाल दूसरों पर थोप रहे हो तो इस पर तुम्हारा हक कहाँ से होगा। तुम लोगों को जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ और जल्द से जल्द मेरी आँखों से दूर हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से, आज के बाद तुम लोग मेरे लिए मर चुके हो और हम तुम्हारे लिए। मालती जी ने सोचा भी ना था कि बच्चे इस हद तक गिर जाएंगे। मालती जी आंखों से आंसू पोंछते हुए बच्चों से बोली, तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं, तुम लोग को जहाँ जाना है वहाँ जाओ, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। दोस्तों, आज के समय में हम लोग अपने कर्तव्य को भूलते जा रहे हैं, जिनके कारण हम धरती पर मौजूद हैं, हम उनको छोड़कर देश विदेश में जाकर अपने स्वार्थ के चक्कर में अपने परिवार के अच्छे से पालन पोषण करने के लिए अपने माता पिता को घर पर छोड़ देते हैं, जिन्होंने हमारे लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, अपना सुख चैन हम लोगों के लिए त्याग दिया, हम उनकी परवाह तक नहीं करते और उनको घर पर ही छोड़कर किसी और के सहारे अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं और पैसों के द्वारा सारी व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आज की युवा पीढ़ी बिल्कुल अकेली होती जा रही है, उनके साथ उनके बच्चे भी वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं जैसा वे देखते हैं, जबकि माँ बाप को पैसे की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें आपके प्यार और आपके साथ की ज़रूरत होती है। इसलिए सब अपने माता पिता की सेवा करें और उनको साथ रखें। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी कहानियाँ ला के सुना सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।